यस, गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम करेंगे एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट इज द सेंट्रोइड ऑफ सर्कुलर सेक्शन एज शोन इन फिगर। हमें क्या निकालना है, सेंट्रोइड निकालना है किसका, सर्कुलर सेक्शन का। ये उसने हमें फिगर दे रखा है कि सर्कुलर सेक्शन का जो रेडियस है वो कितना है, आर है, ठीक है, और उसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे। ओके ओके, नाउ हम क्या निकालेंगे बेटा सबसे पहले। तो बेटा आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर होगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम जो है बेटा, क्योंकि हमें निकालना है एक्ससी एंड वाईसी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिप लेंगे जो कि पैरेलल होगी किसके, एक्स एक्सिस के। ये बच्चे हमने एक स्ट्रिप ले ली जो कि पैरेलल है किस एक्सिस के, एक्स एक्सिस के, ठीक है। और वाई एक्सिस से भी इसका डिस्टेंस कितना है, एक्स ही, ठीक है। ये जो वाई एक्सिस से इस स्ट्रिप का जो डिस्टेंस है, या हम बोल सकते हैं लेंथ है, वो कितना है, एक्स। और राइट साइड भी जो ये जो डिस्टेंस है ना स्ट्रिप का, स्ट्रिप का डिस्टेंस वाई एक्सिस से भी कितना है, एक्स, ठीक है। ये भी कितना है, एक्स ही है, ठीक है। ओके ओके, नाउ हम मान के चलते हैं बेटा कि जो स्ट्रिप की जो डिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वो कितना है, वाई। विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस स्ट्रिप का डिस्टेंस कितना है, वाई, ठीक है। तो हम निकालते हैं क्या, वाई सी। वाई सी क्या होता है बेटा, वाई सी होता है वाई सी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डी ए अपन अपन ए, ठीक है। तो बेटा डी ए क्या है, ये जो स्ट्रिप है ना इसका एरिया। तो स्ट्रिप का एरिया क्या है हमारे पास, देखो जो स्ट्रिप की विड्थ है ना वो हम मान के चलते हैं कितनी है, डी वाई। स्ट्रिप की विड्थ कितनी है, डी वाई, ठीक है। ओके, और ओवरऑल जो लेंथ है, ओवरऑल जो लेंथ है स्ट्रिप की वो कितनी हो जाएगी अपनी, 2x, ठीक है। और विड्थ कितनी है, डी वाई। सो डी ए कितना हो गया, 2x इंटू डी वाई, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है आपको, ओके ओके। नाउ अब आप क्या करें, अब हम जो है बेटा, हम डी ए की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। वो क्या आई थी अपनी, 2x इंटू डी वाई, ये कंप्लीट इंटीग्रेशन के अंडर। और एरिया को आप एज इट इज़ ए रखें, ये कंप्लीट एरिया है किसका, सर्कुलर सेक्शन का। इससे नेक्स्ट टू स्टेप अब क्या होगा, देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है अपनी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्योंकि जो हमारा सर्कल है वो, उसका जो सेंटर है वो कहाँ पर है, सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर क्या बचेगा अपना, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और x सिर्फ क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। ये क्या बच जाएगा, x इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये कंप्लीट टर्म अंडर द रूट होगी। ओके ओके, नाउ अब आप क्या करें, x की जगह इसको पुट कर दें, ठीक है, करिए। तो हम पुट करते हैं ये 2y एज इट इज़, और x की जगह पुट करेंगे आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर द रूट इंटू डी वाई, और ये कंप्लीट इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये माइनस आर टू प्लस आर होगी ना हमारी जो टर्म होगी, इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, माइनस आर टू प्लस आर, यानी कि ये जो टर्म होगी ये कहाँ तक फॉलो कर रही है इस बात को, माइनस आर टू प्लस आर, ठीक है। उसके बाद वाई सी इक्विवेलेंट टू, इसको आप थोड़ा सही तरीके से लिख लें, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है बेटा, हम जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम क्या करेंगे, पुट वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। हम जस्ट मान के चलते हैं इस टर्म को कि वाई जो है किसके बराबर है, आर साइन थीटा के, ठीक है। तो आप जो है बेटा इसमें पुट करें माइनस आर टू प्लस आर
ये तो कहाँ तक होगा, ये मैंने इक्वेशन दोबारा लिख दी, कोई बात नहीं। मैं अब आपको एक और चीज़ समझाऊंगी इसमें, इससे मतलब नेक्स्ट टू स्टेप में। आपने जो है एक चीज़ मानी है कि वाई जो है वो बराबर है आर साइन थीटा के, ये हम मान के चले हैं और इसको हमें पुट करना है इसमें, ठीक है। सो बेटा करें, वाई की जगह आप क्या पुट करेंगे, आर साइन थीटा, ठीक है। सो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब डी वाई की जगह अब हम क्या पुट करेंगे, देखें डी वाई बाय डी थीटा, वाई को हमने क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो दिस इज आर कोस थीटा, सो डी वाई हो गया बेटा आपका क्या, आर कोस थीटा इंटू डी थीटा। सो इसको मैंने कर दिया, डी वाई को भी चेंज कर दी इसकी भी फॉर्म, ठीक है। और जो लिमिट्स होंगी वो भी चेंज होंगी। अब देखो, अगर y इक्वल टू आर साइन थीटा है, पहले r मतलब y की जगह हमारी क्या वैल्यू थी, माइनस r, यानी मैं बोल रही थी कि माइनस r कहाँ था, y की जगह, ठीक है। या हम बोल सकते हैं y की वैल्यू क्या थी, माइनस r, तो उस वक्त थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, साइन थीटा इक्वल टू माइनस वन, सो थीटा इज इक्विवेलेंट टू साइन इनवर्स माइनस वन, सो थीटा साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाय टू, ये कट गया। सो थीटा की वैल्यू माइनस आर की जगह क्या आएगी, माइनस पाई बाय टू, ठीक है। ओके ओके, नाउ अब आप क्या करें, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा फिर से लें इस इक्वेशन को, और आपको क्या करना है, y की जगह पुट अप करना है प्लस r, ठीक है। सो दिस इज, सो थीटा इक्वल टू पाई बाय टू, ठीक है। सो डिवाइडेड बाय एरिया भी है ये, या इसको ऐसे कर लो कंप्लीट a, ठीक है। ओके, सो टू इंटू आर साइन थीटा, आर स्क्वायर को बाहर निकालें, मतलब रखें अभी रूट के अंदर ही। सो ये अंदर क्या बच जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जब हम रूट को भी हटा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आर कोसाइन थीटा, और ये भी आर कोसाइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ए, कंप्लीट के डिवाइड में क्या है हमारे पास ए, ठीक है। सो वाई सी क्या हो जाएगा हमारा, वाई सी हो जाएगा बेटा, देखो ये तीन आर हो गए और ये दो है साथ में इसके, ठीक है। सो टू आर क्यूब, इसको हमने बाहर निकाल लिया क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। सो अंदर क्या बच गया, साइन थीटा इंटू कोसाइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय एरिया। तो बेटा यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है बेटा, आप जो है कोस थीटा को मान लें कि वो इक्विवेलेंट है जेड के, ठीक है। ओके, कोस थीटा किसके इक्विवेलेंट है, जेड के, ठीक है। सो जेड को आप डिफरेंशिएट करवाएं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू डी जेड बाय डी थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। ओके, सो वाई सी हो जाएगा बेटा आपका क्या, टू आर क्यूब, यहाँ पर लिमिट्स भी चेंज होंगी वैसे हमारी। सो बेटा ये जो है साइन थीटा किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा अपना, साइन थीटा आ जाएगा डी जेड बाय डी थीटा माइनस साइन थीटा जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, डी जेड बाय डी थीटा के इक्विवेलेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये हमारे पास साइन थीटा और डी थीटा है, तो हम क्या करेंगे, डी जेड जो है वो इक्वल है माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। या हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू माइनस डी जेड, ठीक है। सो ये और ये टर्म मिलके क्या बनाएंगी, माइनस डी जेड, और ये क्या हो गया, जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया, डिवाइडेड बाय एरिया हो गया। अब आप जो हैं बेटा लिमिट्स पे भी ध्यान दें, देखो जेड इक्वल टू कोसाइन थीटा था ना, ठीक है। जब थीटा हमारा माइनस पाई बाय टू होगा तो जेड कितना होगा,
ज़ीरो, ठीक है। और जब थीटा हमारा कितना होगा, पाई बाय टू होगा, तब भी जेड कितना होगा, ज़ीरो। सो ज़ीरो टू ज़ीरो, ठीक है। सो जो ऊपर जो हमारी जो सॉल्यूशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ज़ीरो। सो ज़ीरो डिवाइडेड बाय एरिया, सो वाई सी कितना आ गया अपना, ज़ीरो। तो वाई सी तो निकल चुका है, अब हम पढ़ेंगे किस तरफ, एक्स सी निकालने के लिए। ओके 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 नाउ बेटा अब हम निकालेंगे क्या, एक्स सी, ठीक है। एक्स सी निकालेंगे हम, ठीक है। तो उसके लिए हम एक स्ट्रिप लेंगे जो कि पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के, ठीक है। ओके और हम मान के चलते हैं कि स्ट्रिप का जो विड्थ है वो कितना है हमारे पास, डी एक्स है। स्ट्रिप का विड्थ कितना है, डी एक्स, ठीक है। और एक्स एक्सिस से और इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है स्ट्रिप का वो कितना है, वाई। और एक्स एक्सिस से और इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, वाई, ठीक है। हम ये ले लेते हैं, ठीक है। और स्ट्रिप का जो वाई एक्सिस की रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस है वो कितना है, ठीक है। ओके 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 नाउ बेटा हम जो है वाई सी निकालते हैं। अब वाई सी निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा, वाई सी तो हम निकाल चुके हैं ना, ज़ीरो। अब हमें क्या निकालना है, एक्स सी निकालना है, ठीक है। और एक्स सी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स डी ए इंटीग्रेशन इसका कंप्लीट और डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। सो बेटा हमारे पास स्ट्रिप का एरिया क्या है, डी ए इक्वल टू टू वाई इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको क्लियर है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसमें करें आप, एक्स सी जो है वो एक्स इंटू डी ए है, डी ए की वैल्यू पुट अप करें, टू वाई इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय एरिया, डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। अब बेटा हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, जब वो ओरिजिन पे हो उसका सेंटर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। वाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्स सी जो है बेटा वो क्या था हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू टू वाई डी एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। तो जो वाई की वैल्यू थी हमारे पास वो क्या आई थी, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। सो वाई को आप पुट करें, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। सो एक्स सी क्या आ जाएगा हमारा, एक्स सी आ जाएगा बेटा। इसमें अब हम लिटल बिट चेंजिंग करने वाले हैं स्टेप में। अब हम क्या करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। एक्स को किसके बराबर पुट करें आप, आर साइन थीटा के बराबर, ठीक है। सो डी एक्स बाय डी थीटा कर देंगे हम, एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू आर कोसाइन थीटा, ठीक है। डी एक्स बाय डी थीटा इक्वल टू आर कोसाइन थीटा, ठीक है। सो डी एक्स किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, आर कोसाइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू इसमें अब आप पुट करें, आर साइन थीटा, ठीक है, और टू एज इट इज़, ओके। आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स की जगह वैल्यू पुट करें, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स की जगह पुट करें, आर कोसाइन थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय एरिया। अब बेटा इसकी इंटीग्रेशन लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक थी, माइनस आर टू प्लस आर। जब हमने थीटा में कन्वर्ट किया है इस पूरी टर्म को, सो हमारी लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी।
सो एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे अब, आप क्या करें बेटा, एक्स में पुट करें किसकी वैल्यू, माइनस आर की वैल्यू, ठीक है। सो साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, माइनस वन के, सो थीटा आ जाएगा हमारा माइनस पाई बाय टू के बराबर, ठीक है। उसी तरह आप फिर से करें, एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा है ना, तो एक्स को आप पुट करें पाई बाय टू के इक्विवेलेंट, एक्स को आप पुट करें आर के इक्विवेलेंट, ठीक है। सो ये कट जाएगा, सो थीटा आ जाएगा आपका कितना फिर से, पाई बाय टू के, ठीक है। ओके नाउ सो एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू टू, सो आर स्क्वेयर आप निकालें बाहर, बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आर बन जाएगा, सो ये क्या हो जाएगा, कोसाइन थीटा, सो आर कोसाइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई बाय टू, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया। ओके सो एक्ससी जो है बेटा वो आ जाएगा हमारा, एक्ससी आ जाएगा बेटा टू आर क्यूब को तो आप निकालें बाहर, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, पाई बाय टू टू प्लस पाई बाय टू, और ये क्या बन जाएगा आपका, साइन थीटा इंटू कोसाइन स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय एरिया। अब आप कोसाइन थीटा को पुट करें जेड के इक्विवेलेंट, ठीक है। ओके सो डी जेड बाय डी थीटा, हमने जेड को डिफ्रेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा, सो डी जेड इक्विवेलेंट टू माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। सो साइन थीटा इंटू डी थीटा हमारा किसके बराबर आ जाएगा, माइनस डी जेड के, ठीक है। सो एक्स ही आ गया टू आर क्यूब, साइन थीटा किसके इक्विवेलेंट है, साइन थीटा डी थीटा भी साथ में, माइनस डी जेड के, ठीक है, और कोस स्क्वायर थीटा जेड स्क्वायर के, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया। अब देखो लिमिट्स भी चेंज होंगी, देखो जो कोसाइन थीटा है वो किसके इक्विवेलेंट है, जेड के इक्विवेलेंट, ठीक है। सो थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, माइनस पाई बाय टू इक्वल टू जेड, सो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो, लोअर लिमिट, लोअर जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट है हमारी। और कोसाइन थीटा इक्वल टू जेड, फिर से आप निकालें वैल्यू को, जेड की जो हमारी लिमिट है उसको निकालें, तो ये जो है बेटा ये क्या हो जाएगा, कोसाइन पाई बाय टू करें फिर से, तो जेड फिर से क्या आ जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। लिमिट से हमारी ज़ीरो टू ज़ीरो है, तो ये कम्प्लीट क्या बन जाएगा, एक्स ही हमारा ज़ीरो, ठीक है। तो यही तो हमें निकालना था, एक्स सी और वाई सी, ठीक है। तो जो हमारे सेंट्रोइड हैं वो आ चुके हैं सर्कुलर सेक्शन के। तो इसी के साथ होता है हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट। स्टे कनेक्टेड विद अस, थैंक यू सो मच।